हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, या फिर आपके पास जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रखे होंगे उन नंबर से कॉल आता है, या फिर आपके पास SMS आता है, या फिर आपके पास व्हाट्सएप SMS आता है, तो आपको जिस भी नंबर से ही कॉल आएगा उसका नाम लेकर बोला पाया जाएगा कि आपको मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि दूर से ही कि आपके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आ चुका है, यानी कि इस नंबर से आपको कॉल आ रहा है। अननोन नंबर से आएगा तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सिस्टम करने के लिए प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको ऊपर ऊपर सर्च करना है कॉल नेम अनाउंसर, एंड यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी एप्लीकेशन जो डाउनलोड हो रही है। सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है, एंड यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लीजिए। इसकी 4.2 की रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। लगभग लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक टू अप्रूव परमिशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर जो भी ये परमिशन मांगता है सिंपली इसको अलाउ कर दीजिए। कुछ परमिशन मांगता है, एंड अलाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर भी आपको ओवरव्यू, यानी कि आपका बैकग्राउंड में प्ले करने के लिए इस ऐप को सिंपली आपको यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है सब कुछ, ठीक है, अब आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्पीच टेस्ट का एक ऑप्शन। जैसे आप स्पीच टेस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, एंड यहाँ पर यस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है ऊपर ऊपर। कॉल्स पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ स्पीक नेम, यानी कि आपके कॉल्स में जो भी नंबर सेव होंगे उस नाम से आपको बोला जाएगा। अवाउंस अननोन नंबर, यानी कि अननोन नंबर जो होंगे उनको अननोन नंबर कहा जाएगा। अगर आप डिसेबल कर दोगे तो कुछ भी नहीं कहेगा। टाइम टू अनाउंस, यानी कि आप कितनी बार अनाउंस करवाना चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, 2 बार या 1 बार या 3 बार, वो अपने हिसाब से सेव कर लीजिए। ठीक है, बैक करना है। बैक करने के बाद आपको ऑडियो स्पीच में मिल जाता है आप किस तरीके से ऑडियो क्लियर करना चाहते हो, यानी कि टेस्ट ऑडियो सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्पीच चेंज कर सकते हो, सेट पिच, सेट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम रखना चाहते हो, सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो। SMS में जाने के बाद आपको स्पीक SMS नेम, स्पीक मैसेज, अनाउंस फ्रॉम अननोन, ओनली फ्रॉम सेलेक्ट कॉन्टैक्ट, इस तरीके से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी आप सेम सिस्टम कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप को SMS कर दो, यानी कि इनेबल कर दोगे, तो व्हाट्सएप पर जब भी कोई भी मैसेज आएगा तो वो नाम बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आपको एक परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। सिंपली आपको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप बाकी सब कुछ देख भी सकते हो। इस एप्लीकेशन का यूज हमारा ख़त्म हो चुका है। अनाउंसिंग इज इनेबल एंड अनाउंसिंग इज डिसेबल, नीचे से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात अभी तो बंद कर देते हैं, एंड यहाँ पर मैं अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो एक्टिवेट। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।